अब बात करेंगे दक्षिण नगर निगम के वार्ड 42 के छावनी रामचंद्रपुरा इलाके की, जहां नालियों की पर्याप्त सफाई नहीं होने से मच्छर जनित रोग पैदा हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद को कई बार इस बारे में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि नलों में पानी भी नहीं के बराबर आ रहा है और महिलाएं काफी परेशान रहती हैं। सीसी सड़क और नालियों का निर्माण कार्य तो करवाया गया, लेकिन वह भी अधूरा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती। लोहे की जालियों से नालियों का ढकान किया गया, वह जालियां भी कोई उखाड़ कर ले गया, जिससे वाहन सवार काफी परेशान रहते हैं। वहीं व्यायाम शाला के पास नहर के किनारे लोगों के द्वारा अस्थायी कचरा पॉइंट बना दिया गया है, जिसमें आए दिन दुर्गति आती है और लोगों का निकलना भी दुर्भर हो रहा है। परेशान होते हैं यहाँ पर सभी और सुनते नहीं है। साफ सफाई की कहते हैं तो जो कहते हैं हमारे उधर का वार्ड है, इधर का नहीं है। घर जाते हैं तो जो बोलते हैं कि घर में बताया करो, हम भेज देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हमारी समस्या हल करो, इसको साफ करवाओ। सफाई बहुत कम होती है, नाला बढ़ जाता है, परेशानी आती है, यहाँ तक बढ़ जाता है, दिक्कत आती है बहुत। तो ये बारिश में तो अंदर पानी चल जाता है, इतना इतना पानी हो जाता है घुटने घुटने तक। हम तो बोलते हैं तो साफ करा दिया, तो इतना सा साफ कराया, तो इसको सही साफ तो कराया ना, हमारी समस्या तो हल करे ना। हमने वोट दिया तो जीतने के लिए दिए ना, हम हमारी सुनते तो आप हमारी भी तो सुनो। यही समस्या है रामचंद्रपुरा, नाम नगीना बेरे ना पूरा नाला काटे को नहीं, माजे काटे भी तो कुछ भी, और कहीं कह रही से नाला उनको साफ ना करो और नाला सुधरा दे चौकू का आता है। पूरा ही बढ़ता रहा नाला, आप लोग ही करते हैं साफ? कहीं कभी कभी तो हम ही काटता, कभी कभी फिर रे बस कहीं करा। नाम प्रेम रोड पूरा खुदरा हुआ है, और दूसरी समस्या है पानी, नल टाइम टाइम आता है और ज़्यादा आप उठते हैं तो नल तो ये जल्दी निकल जाता है, तो महिलाएं परेशान होती है, और जो है नाली भी सफाई नहीं होती टाइम टाइम, और कचरे की गाड़ी आती है चौराहे से निकल जाती है, गली में आती नहीं है, गली चौड़ी भी है तो गली में प्रवेश नहीं करती। वो सर स्मार्ट सिटी कोटा बनने जा रहा है गली, हाँ तो स्मार्ट सिटी कोटा बनने जा रहा है, तो सर ये रोड की है समस्या, पानी की है, गाड़ी कचरे की, तो घर घर आना चाहिए ना, तो आप चौराहे से क्यों निकल जाते हो? जब रोड चौड़ा है 10-12 फीट का है, गाड़ी आराम से प्रवेश कर जाती है, क्यों नहीं आती है गाड़ी अंदर? चुनाव आने वाले हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे नेता। जब वोट मांगने आएंगे तो फिर उनको क्या देंगे? हम वोट नहीं देंगे हम सर, बस ये समस्या। नाम बताएं? सुरेंद्र कुमार। ये रामचंद्रपुरा का एरिया है, सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ पर एक तो पानी की समस्या है, पानी की सप्लाई जो आती है बिल्कुल लो लेवल पे आती है, प्रेशर नहीं आता है, और टाइम से तो जो आता ही है, और एक ये नाली वगैरह की समस्या है, बरसात में तो कुंडे तक बढ़ जाती है, पूरे घरों में पानी घुस जाता है, नाला जाम हो जाता है। हालांकि उखड़वा के दोबारा भी करवाया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, पूरा साफ क्योंकि डाउन किया नहीं ना, बस इसको साफ करके वापस इसको चेंबर से डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो फ्लो है, ये पीछे वाला जो नाला है, पीछे वाले नाले से ये डाउन है, तो जैसे उसका पानी आता है ना वापस इसमें चला जाता है। राजेश साहू जी, समस्या सर यहाँ पे नाली वगैरह बिल्कुल भी साफ नहीं होती, और गंदगी वगैरह पड़ी रहती है, नालियाँ साफ कर जाते हैं तो उसको उठाते नहीं है, गड्ढे वगैरह भरे हुए रहते हैं, बीमारियाँ होती है, बच्चे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चे खेलते हैं। सीवरेज का काम करा जब भी इन्होंने बहुत लापरवाही करी, काम सही ढंग से नहीं करा, गड्ढे वगैरह भी हमने पब्लिक ने अड़ोस पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे भरवाए, नहीं तो बच्चे बच्चों के किसी के कोई जनहानी हो जाती, बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। सफाई वाले भी बिल्कुल भी आते हैं तो बस निकाल के, अब आप ही आपके सामने देख लो कि कितना कचरा वो रखा हुआ है, बस खाते हैं पीते और निकल जाते हैं बस। मेरा नाम ब्रजमोहन प्रजापति। ये रामचंद्रपुरा छावनी है, वार्ड नंबर 42। ये हमारे हमेशा नालियाँ भरी रहती है, और नालियाँ ये उठाते हैं कचरा, उसके बाद ये ले जाते नहीं है, और बीमारियों का वो बढ़ रहा है यहाँ पे, और ना तो यहाँ पे नल आ रहे बिल्कुल भी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कहाँ भी जा रहे हैं हम। कौन है वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद है अंशु सरंगी। अब मेन रोड पे पड़ा है, गली में पड़ा है कचरा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, और वो गड्ढा पड़ा है, गड्ढा अभी तक सीवरेज की लाइन डालने के बाद वो गड्ढा सही नहीं हुआ अभी तक। नाम पंडित अक्षर।